दोस्तों आप लोग तो बाइक चलाता है, बाइक के साथ साथ आप लोग कार भी चलाते हैं, तो अभी कभी देखा जे बाइक बा कार का इंजन से जो टिक टिक साउंड आता है वो कहाँ से आता है, कैसे साउंड होता है? तो इसी के बारे में आज एक छोटा सा टॉपिक लेके हम बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए दिस चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाँ दोस्तों, जो बाइक बा कार से जो साउंड आते, आप जब लॉन्ग ड्राइव करेगा गाड़ी को, लॉन्ग ड्राइव करने के बाद जब गाड़ी को पार्किंग करेगा, तो पार्किंग करने के बाद आप दिखाएगा जे इंजन से व गाड़ी से टिक टिक करके साउंड आता है। आप लोगों को शायद मालूम नहीं, आप लोग सोचता है जे ये जो साउंड आता है ये इंजन से आता है, लेकिन इंजन से नहीं आता है। ये जो साउंड आता है ये जितना हीटिंग पार्ट होता है गाड़ी का वहाँ से ही आता है, जैसा मैं इंजन मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट लाइन, साइलेंसर, यहाँ से ज़्यादा साउंड आता है। तो मान लो आप एक बाइक को बहुत लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव का बाद आप पार्किंग किया का थोड़ा सा पानी साइलेंसर के ऊपर थोड़ा सा फेंक दीजिए, तो आप दिखाएगा पहले जितना साउंड हो रहा है टिक टिक उससे ज़्यादा होगा। मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो मेटल पार्ट होता है हीटिंग, वो क्या होता है, हीट से इतना हीट हो जाता है गाड़ी आपका, वो हीट से मेटल जितना पार्ट होता है वो थोड़ा फैल जाता है। तो पार्किंग जब करते हैं वो धीरे धीरे एटमोसफेयर से टेम्परेचर लेके वो धीरे धीरे कूल होता है, तो कूल होने का टाइम ये साउंड आता है। तो इसी से ही अल्टीमेट इंजन से जो साउंड आता है इंजन से नहीं, ये एग्जॉस्ट लाइन से ही आता है। मैक्सिमम मैक्सिमम टर्बो चार्जर, तुम्हारा मैनिफोल्ड, साइलेंसर, तो अल्टीमेट यहाँ से ही जो टिक टिक साउंड होता है ये साउंड आता है। तो आई होप इस वीडियो से आप समझ गया जे ये जो साउंड आता है कहाँ से आता है। आई होप इस वीडियो अच्छा लगा आप लोग। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।